असलम वीअर्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे है यासे होंगे तो आज मैं आपको जो है दावत की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि आपने अपने टाइम को कैसे बच बचाना है हमने क्या करते हैं कि हम किचन में जाते हैं हम सबसे पहले जो मेन जो बड़ी बड़ी डिशेज़ हैं हम वह बनाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से छोटी छोटी जो चीज़ें हम जो सैलड चटनी वगैरह बनाते हैं उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता और हम बस कह लें बस ठीक है या जो रह गया या सो रह गया इस तरह नहीं करना आपने ठीक है आपने पहले क्या करना है आपने पहले अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो पहले रेडी करना है क्योंकि आप फ्रेश होते हैं एक्टिव होते हैं आपने सबसे पहले वो चीज़ें मेन अपनी रेडी करनी है मैंने पहले सलाद रेडी किया आपके सामने ठीक है और आपने क्या करना है पहले साथ ही मैंने कटल रेडी की थी छोटी छोटी चीज़ों मैं आपको बता रही हूँ कि पहले आपने ये मैनेज करनी है अपनी लाइफ में किचन में मैंने आलूओं को भी बॉयल कर लिया था मैंने किलो आलू लिए थे वो बॉयल कर लिए मैंने जो है ना थोड़ी सी तीन से चार बोटियाँ मैंने ना बॉयल कर ली हैं और मैंने इस तरह बॉयल करके उसको इस तरह मैश कर लिया और साथ ही मैं अपनी जो वेजिटेबल जो आपने ऐड कर इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं गाजर भी ऐड सक, कर सकते हैं तो बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे खाली गाजरों को ही ऐड किया है और साथ मैंने हरा धनिया ऐड किया है क्योंकि हरा धनिया से ना बड़ी अच्छी लुक आ जाती है ज़रा कटलस पर और मैंने इन सबको मिक्स किया इसमें अपने स्पाइसी नमक मिर्च वगैरह ऐड करें और इसमें सोया सॉस सो, सिरका आपने ऐड करके और आपने मिक्स करना है और इसी तरह आपने कटरस तैयार कर लेनी है कोई मुश्किल नहीं है आप पाँच मिनट में ये जो आपकी चीज़ें रेडी कर सकते हैं लेकिन आपने जो फ्राई करने है तब फ्राई करना जब आप डिश आउट करना चाहती हैं जब आप, यानी आपके सारे काम ख़त्म हो गए हैं जब आप टेबल लगाने लगते हैं उससे दस मिनट पहले आपने जो है ना अपनी गर्म गर्म कटरस को ना रेडी करना है ठीक है आपने ये फिर फ्रीज़र में नहीं रखना आपने ये फ्रिज में रख देना ताकि ये फ्रेश ही रहे साथ ही मैंने अपनी चटनीों का सामान रेडी कर लिया था तो मैंने धनिया पुदीना या हरी मिर्च तीन अदर लिए दो जवे मैंने जो है लहसुन के लिए हैं और इसमें से मैंने नमक और लाल मिर्च ऐड किया सिंपली और यहाँ पर मैंने पानी ऐड नहीं करना आप यहाँ पे दही पे इसको चटनी बनानी है आप यकीन मानिए आप इसको हफ्ता भी रखेंगे ना तो ये कलर चेंज नहीं होगा पानी में बनाने से दो से तीन दिन के बाद ही अपना कलर चेंज करता है ये कि देखें कितनी खूबसूरत फ्रेश कलर मेरे सामने आया ये देखें और इसको मैंने थोड़ी सी ना मैंने ग्रीन चटनी रखी है कुछ लोग बच्चे जो मेहमान होते हैं ना वो ग्रीन चटनी ज़्यादा पसंद करते हैं खाने के साथ और कुछ जो है दही के साथ रायते के साथ इस तरीके से पसंद करते हैं तो मैंने यहाँ पर दो किस्म की बना दी थी ताकि जिसको जो पसंद है वो रेडी कर ले खा लें ठीक है और यहाँ पे मैंने बिरयानी बना रही हूँ बिरयानी की रेसिपी मैंने कई दफ़ा आपके साथ शेयर की है और ये उन लोगों के लिए मैं दोबारा बता रही हूँ जो मेरे लिए जो नई वीडियो मेरे लिए देख रहे हैं मेरे नए सब्सक्राइबर हैं नए व्यूज़ हैं ये उन लोगों के लिए मैं दोबारा से जल्दी से रेसिपी अपनी शेयर करती हूँ ये बहुत ही मज़े की रेसिपी सिंधी बिरयानी है बहुत ही मजे की बनती है और जल्दी से तैयार हो जाती है आपने ये क्या करना है अलग किलो से ज़्यादा प्याज लेना है उसमें अदरक लहसुन हमने ज़्यादा से नहीं तीन से चार चम्मच हमने अदरक लहसुन के लेने हैं उसको आपने कद्दूकश कर लें ये ठीक है या आप ग्राइंड कर लें उस ना आपने तीन से चार मिनट के लिए अपने अदरक लहसुन को जो है फ्राई करना है उसमें आपने पाँच यानी छः सात भरे टमाटर यानी आधा किलो के करीब आपने टमाटर ऐड करने हैं ठीक है, है? बिरयानी में टमाटर ज़्यादा ना ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता इसलिए आपने टमाटरों को ज़्यादा ऐड करना है और इनसे इनकी तीन से चार मिनट के लिए आपने इनकी भुनाई करनी है भुनाई बहुत अच्छी तरीके से करना है आपने यहाँ पे मसालों को पीसना नहीं है हमने हमने यहाँ पे मसाले जो बिरयानी के होते हैं ना इसमें खरे खरे मसाले अच्छे लगते हैं यानी खरा खरा टमाटर खरा खरा प्याज तो वो जब खाने में या चावलों के साथ आपके मुंह में जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है इसलिए आपने जो है ना मैश नहीं करना ग्राइंडर नहीं करना तो आपने इसी तरह अपने जो मसाले हैं वो करने हैं ऐड इसमें नमक मिर्च हल्दी आपने ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर आपने जो है अपने जितने भी स्पाइसी लाल मिर्च वो काली मिर्च सुख गर्म मसाला ये सारे आपने हाफ हाफ टी स्पून ऐड कर लेने हैं क्योंकि हमने जो है ना बिरयानी मसाला भी ऐड करने हैं तो फिर इसमें मसाले बहुत ज़्यादा जो स्पाइसी हो जाएंगे तो आपने सब मसाले हाफ आफ टी स्पून हमने हाँ ऐड करने हैं ठीक है और यहाँ पे देखिए मेरा जो मसाला जो अच्छी तरह फ्राई हो गया और तेल ऊपर आ गया है तो मैंने क्या करना है कि यहाँ पे हम अपना चिकन को भी ऐड करेंगे चिकन की भी तीन से पाँच तकरीबन हम पाँच से छः मिनट की जो भुनाई है उसको तेज़ आंच में करेंगे ताकि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए जब कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो हमने उसमें थोड़ा सा यानी हाफ कप पानी ऐड करके उसको दम में दे देना ताकि हमारा जो चिकन है वो जो गल जाए अच्छी तरीके से और हमारा मसाला भी रेडी हो जाए ठीक है यहाँ पे मैंने मैं आपको बताती हूँ कि मैंने दो किलो चावलों की बिरयानी बनाई थी और मैंने दो किलो ही चिकन ऐड किया था यहाँ पे क्वांटिटी अगर आप बराबर रखेंगे ना तो बिरयानी बहुत अच्छी बनती है जैसे आप कुछ लोग होते हैं कि चावलों को ज़्यादा होती है यानी उनके दो किलो चावल होते हैं और ने जो है किलो से ऊपर थोड़े से जो चिकन होते हैं यानी कुछ कुछ भोटियाँ नज़र आती हैं उसका मसाला भी उतना ही कम बनता है और वो भी वो ड्राई ड्राई जो है बिरयानी बनती है आप जितनी क्वांटिटी को बराबर रखेंगे बिरयानी में ख़ास तौर तो पर इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है क्योंकि मसाले से ही बिरयानी का जायका जो है दोबाला होता है तो आपने लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखना है ठीक है इस तरह मैंने फिर जो है ना दही में मैंने जो अपने जो चाट बिरयानी मसाले के दो पैकेट हैं ये छोटे पैकेट हैं ये बड़े पैकेट नहीं है अगर बड़ा पैकेट है तो आपने एक डालना है और अगर ये छोटे साशी हैं तो ये आपने दो दही में डाल के आपने अच्छी तरह इसका मिक्स करना है और इसको फाइव मिनट्स के लिए आपने रख देना है इससे क्या होता है कि जो चाट मसाले ये बिरयानी मसाले का जो फ्लेवर है वो दही में अच्छी तरह रच जाता है और फिर आपने जब मैं हमारा जो चिकन इस कंडीशन में आ जाता है कि देखें वाइट वाइट चिकन हो गया फ्राई ब्राउन शेड में आ गया और आधा तकरीबन मेरा गल चुका है चिकन तो फिर आपने यहाँ पे आपने जो अपना दही में जो आपने बिरयानी मसाला मिक्स किया है वो आपने ऐड करना है इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कुछ लोग होते हैं कि आप बिरयानी के साथ भी आप इसमें मसाला ऐड कर सकते हैं लेकिन आप इस तरह दही के साथ आप डालेंगे ना तो बहुत मज़ा आता है ये मैंने कई दफ़ा बताया भी है कि आप किसी भी खाना जो भी खाना बनाते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा यानी दो चम्मच भी आप दही ऐड करेंगे ना तो बहुत मज़े की बनती है तो इस तरह मेरे चावल को भी मैंने बॉयल करी मैंने चावल इसलिए नहीं बताया क्योंकि यह हर एक को करना आते हैं और मैंने कई दफ़ा अपनी बिरयानी रेसिपी में भी आपके साथ बताया होगा किस तरह मैंने चावलों को बॉयल करती हूँ तो आपने सिंपल तरीके से आपने चावलों को बॉयल करनी है और जो मेरे सालन मेरा था वो मैंने तह लगा देनी है और इस तरह उसके ऊपर जो आपने जो गार्निश है उसमें धनिया पुदीना हरी हरी मिर्चें और जो लेमन है वो ऐड करके आप इसको दम दे दें तकरीबन तकरीबा पंद्रह मिनट के लिए आपकी बिरयानी रेडी तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ताकि बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो मेरे प्यारे व्यवर्स के साथ शेयर होती रहे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी अपना ख्याल रखिएगा और अपनी बहनों को दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़